टूर्नामेंट चला उसके साइड में मेरी ही टीम लड़ रही है पावर काइट क्लब, जिसमें सुदीप लड़ा रहे हैं औरंगाबाद मोंदा से, और टूर्नामेंट लड़ा चुकी है औरंगाबाद, और नीचे से अपना पांचवा पे लड़ा रहे हैं सुदीप बाबर काइट क्लब के मेंबर। चार पेज काट चुके हैं, अब देखते हैं पांचवा काट पाते हैं कि नहीं। कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं, ऊपर से मोंदा औरंगाबाद के मेंबर मुड्ढा रखते हुए काफ़ी गर्दन की तरह पतंग को ले जा रहे हैं कोनी कराते हुए सुदीप भाई बाबर के मेंबर। इस पेज के बाद हम आपको दिखाएंगे अगर काट देते हैं तो। काफी घेर के रखा है सुदीप ने, बाहर की तरफ ताकत से खींचा, उसी को भर लिया, बाहर का निकलता हुआ मुड्ढा मुंडा का बढ़िया पेज काट दिया, इसके साथ पांच पेज पूरे कर लिए है। और हम आपको मिलवाते हैं सुदीप भाई से जो कि बाबर काइट क्लब के मेंबर हैं। ये हमारे सुदीप भाई हैं, ये हफीज भाई हैं, और ये सुदीप भाई हैं सनी देवल जो बने हुए हैं। सुदीप भाई क्या कहना चाहते हैं, बढ़िया पेज आपने काट दिए, देखिए बहुत बढ़िया पतंग चल रही है, बहुत बढ़िया पतंग चल रही है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया पेज आपने काटे, साथ की लड़ रही है, साथ की लड़ रही है भाई, औरंगाबाद प्रदेश है, और ये देखिए टीम बहुत अच्छी है, और ये देखिए ये तैयार कर रहे हैं अपनी पतंग औरंगाबाद के मेंबर, बढ़िया टीम, ठीक भाई, ठीक ठीक। और ये सुदीप भाई, और बगल में टूर्नामेंट हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं टूर्नामेंट, और ये देखिए निहाल भाई भी आ गए, खबर के बाकी मेंबर खड़े हैं, सबके हाथ में पतंग है, सब तैयार हैं, क्योंकि परदेसी लड़ रहा है तो जब एक कटेगा दो तीन पतंगे आसमान में उसके बाद छोड़ी जाएगी। पीछे राकेश भाई खड़े हैं, ये हमारे रजत भाई और दीपक भाई, हफीज भाई, जिम्मी भाई, जिम्मी कालिया, ये उस्ताद हमारे दीपक भाई के, और ये उस्ताद है कटते ये हैं काटते वो शागिर्द हैं। ये हमारे अर्पित भाई खड़े हुए हैं, सभी मेंबर्स, ये हमारे गुड्डे भाई भी लड़ा रहे साथ में, धीरे धीरे बाबर में आ रहे हैं, धीरे धीरे खिसक खिसक के एक एक दिन नहीं आएंगे कह रहे हैं, लेकिन आ जाएंगे हमें पता है। और ये हमारे औरंगाबाद की टीम, और ये औरंगाबाद के हमारे मेंबर बैठे हैं जिनको एक बार हम पहले आपको दिखा चुके हैं पतंग अपनी सब तैयार करते हुए। मोनू जी, मोनू जी, ये हमारे गुड्डे भाई सर्टिफिकेट और मेडल देते हुए प्रयागराज काइट क्लब प्रयागराज को, प्रयागराज टाइगर काइट क्लब प्रयागराज, हमजा जी, ये प्रयागराज टाइगर प्रयागराज को हमारे गुड्डे भाई मेडल और सर्टिफिकेट देते हुए, तन्नू जी को सर्टिफिकेट और मेडल देते हुए हमारे बाराबंकी के गुड्डे भाई, न्यू लायंस के चड्डा भाई को सर्टिफिकेट और मेडल देते हुए हमारे गुड्डे भाई, एमएलटी का भी आप ही ले लीजिए गुड्डा भाई, और ये संजय भाई को डबल देते हुए, लेकिन ये वापस करना है संजय भाई, न्यू लायंस बाराबंकी टॉस जीता है, प्रयागराज के पास चला दीजिए और टिप टॉप लखनऊ है, प्रयागराज के तीनों मेंबर यहाँ पे आ जाइए, मेडल और सर्टिफिकेट हमारे मंगल भाई सारा भाई ने टिप टॉप को हमारे बाबू भाई मेडल और सर्टिफिकेट, मुस्तफा जी अमरीश भाई का भी अब्दुल्ला भाई को ले लीजिए, राम नईम बाराबंकी के तीनों मेंबर आ जाइए, संजय जी तालियां, थोड़ी थोड़ी तालियां बजती है यार, आइए राम नईम, सलमान को सर्टिफिकेट और मेडल देते हुए हमारे चड्डा भाई, अब्दुल भाई, और ये आज हमारी चार टीमें जो थी इनको सर्टिफिकेट और मेडल दे दिया गया है, अभी जैसे ही हवा आएगी इन लोग से कहा जाएगा अपनी साइड बताएं और अपनी साइड पे जाकर मेडल की पतंग तैयार करें। दिल्ली वर्सेस कानपुर इंटरनेशनल, कौन कॉल करेगा, ये कानपुर कॉल करेगी, टॉस उछाला अजमी भाई ने हमारे, और ये टेल आया कानपुर ने टॉस जीता है, हवा आ जाए तब साइड बताइए, हवा आई नहीं इसलिए साइड बतानी जा रही है, दिल्ली स्पीड इंटरनेशनल के बीच में टॉस हुआ है, अब देखते हैं कौन किस तरफ से लड़ाएगा। और ये हमारे मून लाइट क्लब के पप्पू भाई पतंगे लाए इकबाल साहब की, जो की
बता रहे हैं 30 से 33 साल पुरानी है। तो हम पप्पू भाई से ही पूछते हैं, पप्पू भाई कितनी पुरानी है? 33 साल। 33 साल पुरानी है। सिमी भाई नाम रहे पतंगो, सिमी भाई का कहना क्या है? है ये पतंगे सब ओरिजिनल है सिमी भाई, सब ओरिजिनल। ये सिमी भाई पतंग नाप रहे हैं, सारी पतंगे फुल साइज है, बहुत बढ़िया पतंगे हैं, 30 से 33 साल पुरानी पतंगे। इकबाल साहब ये हमारे अजमी भाई बता रहे हैं, अजमी भाई क्या कहना चाहते हैं इन पतंग के बारे में? देख लीजिए कितना संभाल के रखा हुआ है, संभाल के रखी है इन्होंने। अलाउड नहीं है, टॉफिया अलाउड नहीं है, चड्डा भाई कह रहे हैं, लेकिन इस पर टेपिंग कर लेंगे तो लड़ा लेंगे। ये इसीलिए कमेटी ने जमा कर लिया अपने पास। अच्छा, कमेटी ने वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे अपने के लिए ना। चलिए ठीक, बहुत पुरानी, काफी पुराना कलेक्शन है इकबाल साहब का, और सारी पतंगे गार्डदार हैं। आप ये देख सकते हैं बाराबंकी की ओर से रॉयल डायमंड क्लब की तरफ से पहला पेज लड़ा रहे हैं ये मेंबर, और राम रहीम की ओर से ये मेंबर खड़े हुए हैं, हाफ टी शर्ट ब्लैक है हाफ वाइट। चलते हैं इनके पेज पे, देखते हैं कौन काटेगा पहला पेज रॉयल बाराबंकी और राम रहीम लखनऊ के बीच में। पेज सही हो गया है, गड़ौता वो मुड्ढा मारा है राम रहीम के मेंबर ने, कंटी पट की तब खींच रहे हैं बाराबंकी के मेंबर, लेकिन कट गए। पहला पेज था, दोनों ने ताका सही पे लड़ाया, 1-0 का स्कोर हो गया है। राम रहीम ने एक काटा है रॉयल डायमंड बाराबंकी को। टाइगर प्रयागराज और न्यू लॉयंस लखनऊ के बीच में पेज हो रहा है, नीचे से प्रयागराज के मेंबर, ऊपर से संजय भाई लड़ा रहे हैं लखनऊ न्यू लॉयंस के मेंबर। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। आज हवा कुछ खास नहीं है लखनऊ में, तो धीरे धीरे पेज हो रहा है, एक एक पतंग मरते मरते पेज तक पहुंच रही है और लड़ रही है। नीचे से काफ़ी तेज़ हाथों से उठाया अपनी पतंग को प्रयागराज के मेंबर ने, बाहर की तरफ खींचा संजय भाई ने, गड़ो तो वो मुठा मार दिया पहल करके, बढ़िया पेज काट दिया है, और स्कोर इसी के साथ 1-1 का बराबर हो गया है न्यू लॉयंस और टाइगर प्रयागराज के बीच में। 1-1 का स्कोर बराबर इंटरनेशनल कानपुर और दिल्ली स्पीड के बीच में, देखते हैं कौन काटेगा। नीचे से शुएब और उर्फ अफगानी के नाम से काफ़ी मशहूर हैं, और ऊपर से इंटरनेशनल के मेंबर लड़ा रहे हैं, देखते हैं कौन काटेगा। अंदर करा के जगह ली है शुएब ने, और बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा रखे हैं, अंदर की तरफ उतरते जा रहे हैं इंटरनेशनल कानपुर के मेंबर, बाहर की तरफ खींचा ताकत से, डोर मिली नहीं, वापस अंदर की तरफ जगह ली है, गड़ौता में मुड्ढा मार दिया कानपुर के मेंबर ने, बाहर की तरफ ताकत से खींच दिया है शुएब ने, लेकिन कट गए। बढ़िया पेज काट दिया, एक साथ 2-1 का स्कोर इंटरनेशनल कानपुर और दिल्ली स्पीड के बीच में। और ये देखिए हमारे शुएब, ये अभी पेज कटे थे और देखिए कितना खुश है, देखिए तो भाई खुश है क्योंकि ऑल इंडिया में इतनी दूर, क्योंकि इनके अपोजिट जिन्होंने काटा था वो क्रिज आउट हो गए, पेज शुएब को मिल गया, 2-1 से आगे हो गए हैं स्पीड दिल्ली। मजा आ गई, मजा आ गया, और क्या भाई। चलिए ठीक है, किस्मत थी अच्छी, कटा हुआ पेज भी मिल गया दिल्ली स्पीड को। रॉयल डायमंड और राम रहीम लखनऊ के बीच में ये पेज हो रहा है, रॉयल डायमंड बाराबंकी का क्लब है, पुनीत भाई का काफ़ी मशहूर गुड्डे नाम से, नीचे से चमकाया राम रहीम के मेंबर ने, गड़ौता हुआ मुड्ढा सीधा मार दिया है बाराबंकी के मेंबर ने, लेकिन बाहर खींच के अपनी ताकत से ये पेज काट दिया, और 2-0 का स्कोर हो गया है रॉयल डायमंड बाराबंकी और राम रहीम लखनऊ के बीच में। 3 पेज काटे हैं स्पीड दिल्ली ने इंटरनेशनल कानपुर को, तो देखते हैं कौन। 3-1 का स्कोर चल रहा है दोनों के बीच में, ऊपर से इंटरनेशनल कानपुर के मेंबर, नीचे से स्पीड दिल्ली के शुएब लड़ा रहे हैं, ऊपर से इंटरनेशनल के बाबू लड़ा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पहले राउंड में एक पतंग से 7 पेज काटे थे, बहुत बढ़िया गड़ौता हुआ मुड्ढा बनाया इंटरनेशनल के मेंबर ने, रोका ताकत से बाहर की तरफ शुएब ने भी खींचा और तुरंत कट गए बाबू, तो डोर मिल चुकी थी, तो बढ़िया पेज काट दिया 4-1 का स्कोर हो गया इंटरनेशनल कानपुर और स्पीड दिल्ली के बीच में। पेज सही हो गया है, नीचे से मुस्तफ़ा भाई टिप टॉप के मेंबर बढ़िया पेज लड़ा रहे हैं, 3 पेज काट चुके अपनी इस पतंग से, ऊपर से इलाहाबाद के विकास लड़ा रहे हैं मशहूर नेम किंग की तरफ से, निकलता हुआ मारा ताकत से भर रहे हैं इलाहाबाद के मेंबर, बाहर की तरफ जा रहे हो कंटीपट की तरफ, टिप टॉप के मेंबर की पतंग बढ़िया पेज, दोनों लोगों ने काफ़ी देर तक खींचा और बढ़िया पेज मुस्तफ़ा भाई ने काट दिया, 4-1 का स्कोर हो गया है टिप टॉप लखनऊ वर्सेस किंग प्रयागराज के बीच में। 4-1 का स्कोर चल रहा है टिप टॉप लखनऊ और किंग इलाहाबाद के बीच में, जो कि विकास भाई की क्लब है, बहुत बढ़िया नामी प्लेयर हैं प्रयागराज के विकास भाई, नीचे से ताकत से खड़ा खींच दिया भागदम, निकलता हुआ मारा है प्रयागराज के मेहमान, दोनों ताकत से खींच रहे हैं और झटकने लग गए, तेज़ झटके मारे, बहुत बढ़िया पेज अब की बार बाहर की तरफ ताकत से खींचने के बाद झटके मार के काट दिए प्रयागराज के मेहमान ने, और स्कोर 4-2 का हो गया है टिप टॉप लखनऊ और किंग प्रयागराज के बीच में। 4-1 का स्कोर चल रहा है, नीचे से स्पीड दिल्ली के मेंबर, ऊपर से इंटरनेशनल कानपुर के मेंबर, नीचे से लड़ा रहे हैं शुएब अफगानी और ऊपर से लड़ा रहे हैं बाबू, जो कि मंजर लारी काफ़ी मशहूर हैं और इंटरनेशनल लखनऊ की ओर से भी लड़ाते हैं, सीधा गद्दा बनाया बाबू ने अपनी पतंग को, पट की तरफ खींचा शुएब ने, अंदर तक तेज तेज झटके मारो, भाग तक खींचा शुएब ने, थोड़ा सा खींचा रोका, भाग तक ताकत से खींचा, सीधा गद्दा मारा है शुएब ने, चुस्की ऊपर रख लिया, अंदर के बल हैं शुएब के और ये बाबू की पतंग कट गई, इसी के साथ 5-1 का स्कोर हो गया। नीचे से किंग इलाहाबाद के मेंबर और ऊपर से टिप टॉप के अमरीश भाई लड़ा रहे हैं,
इनका क्लब है, तो देखते हैं कौन काटेगा। नीचे से किंग प्रयागराज के मेंबर जगह ले लिए, पेस सही हो चुका, ऊपर से अपनी भारी पतंग को लगाए हैं अमरीश। टिप टॉप के मेंबर अंदर तो दिखाए भाग तम देते हुए जा रहे, अपनी भारी पतंग को कंटी मार के रखो, सीधा कर लिया, डबल कर लिया। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। डबल करके रख लिया अमरीश भाई ने अपनी भारी पतंग से किंग प्रयागराज के मेंबर को, बढ़िया चुस्की पेज फंसा लिया है। दोनों ने एक दूसरे को कंठी मार के रख लिया है और ये बढ़िया पे धीरे धीरे चुस्की मारते हुए अंदर की तरफ काट दिया है किंग प्रयागराज ने। टिप टॉप लखनऊ को स्कोर 4-3 का हो गया दोनों के बीच में। टाइगर प्रयागराज और न्यू लाइंस के बीच में ये पेज हो रहा है। नीचे से लड़ा रहे हैं चड्डा भाई, ऊपर से लड़ा रहे हैं टाइगर प्रयागराज के मेंबर। देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। 4-2 का स्कोर चल रहा है दोनों के बीच में, 4 काट रखे हैं प्रयागराज ने लखनऊ को। नीचे से चड्डा भाई अपनी पतंग को चमकाते हुए थोड़ा मुट्ठा बनाया, रोका काफ़ी गर्दन के पास, एक दूसरे के ही पेज हो रहा है। ताकत से चड्डा भाई ने खींचा पत्ता खींचने के लिए, लेकिन अपनी पतंग को ऊंचा कर लिया टाइगर प्रयागराज के मेंबर ने। अंदर की तरफ मुड्ढा रखा चड्डा भाई, बाहर ही लिए ज़्यादा अंदर जगह नहीं ले रहे। नीचे से खड़ोता हुआ मुड्ढा बना दिया प्रयागराज के मेंबर ने, उसी को मारते चले जा रहे। बाहर की तरफ कंटी खींचा लेकिन तुरंत काट काट हो गई, शायद हल्की डोर फेंकी थी लेकिन रुकी नहीं पतंग, कट गए तुरंत चड्डा भाई। स्कोर 3-3 का बराबर हो गया है टाइगर प्रयागराज और न्यू लाइंस लखनऊ के बीच में। 5-1 का स्कोर चल रहा है राम रहीम और रॉयल डायमंड बाराबंकी के बीच में। नीचे से लड़ा रहे हैं राम रहीम के सलमान, ऊपर से लड़ा रहे हैं बाराबंकी के प्लेयर। अंदर की तरफ पतंग उतारते हुए बाराबंकी के प्लेयर बाहर की तरफ निकाला, कोहनी करा के काफ़ी तेज़ हाथों से जगह ले ली राम रहीम के मेंबर ने। चक्कर लिया और रोका कंठी पट की तरफ, ताकत से खींचा और रखे, जैसे ही खींचा एक हाथ में फैसला हो गया, डोर मिल गई थी। तो इसी के साथ 6-1 से आगे हो गया है राम रहीम लखनऊ वर्सेस रॉयल डायमंड बाराबंकी के बीच में। पेस सही हो गया है, ऊपर से लड़ा रहे हैं बाराबंकी के प्लेयर, नीचे से राम रहीम के मेंबर लड़ा रहे हैं। देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। 6 का स्कोर चल रहा है, 6 काट दिए हैं राम रहीम ने रॉयल डायमंड बाराबंकी को। अंदर जब मुड्ढा उतारा पेज सही चल रहा है और हवा जो है राइट हैंड पे दबी है तो ऊपर से जगह लेने में थोड़ी सी दिक्कत रॉयल डायमंड के मेंबर को। नीचे से कोनी करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोनी करा ले रहे हैं, हवा भी फेवर में है और पतंग को कम करते जा रहे हैं रॉयल डायमंड के मेंबर। और अंदर की तरफ ऊँचे से ही चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीचों बीच में पतंग आई बाहर निकाली थोड़ी सी, ऊँचाई ऊँचा रोके हुए हैं। अंदर की तरफ फिर मुड्ढा उतारा, ऊँचा करके मुड्ढा दिया राम रहीम के मेंबर ने, पतंग को चमकाया, सीधा मुड्ढा उतारा, काफ़ी करीब करके उतारा वापस से, देखिए जैसे ही एक हाथ खींचा कट गए, तो बहुत ही करीब कर लिया था, एक हाथ भी नहीं चला और बाहर बनाते ही मुड्ढा राम रहीम के मेंबर ने ये पेच काट दिया। उसको 7-1 का हो गया है रॉयल डायमंड बाराबंकी और राम रहीम लखनऊ के बीच में। न्यू लॉन्स की तरफ से संजय भाई लड़ा रहे हैं, ऊपर की क्रीज में हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और नीचे से लड़ा रहे हैं टाइगर प्रयागराज के ये मेंबर। देख सकते हैं वाइट टी शर्ट में हाथ चलाते हुए, चलते हैं इनके पेज पे, देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। 4-4 का दोनों के बीच में स्कोर, पेज सही हो गया है न्यू लॉन्स और टाइगर प्रयागराज के बीच में। 4-4 का स्कोर बराबर, ऊपर से संजय भाई, नीचे से टाइगर प्रयागराज के मेंबर। अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं कोनी करा के और अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करके रोके हुए हैं संजय भाई न्यू लाइंस के मेंबर। मुड्ढा उतारा, अंदर की तरफ उतारते जा रहे हैं, काफ़ी ताकत से उतारते जा रहे हैं, रोक नहीं रहे, काफ़ी करीब करके रोका है। बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचा टाइगर के मेंबर ने, बाहर की तरफ ताकत से खींच लिया प्रयागराज के मेंबर ने, निकलता हुआ मारते जा रहे हैं संजय भाई भी, लेकिन कट गए। बढ़िया पेच काट दिया, स्कोर 5-4 का हो गया है न्यू लाइंस और टाइगर प्रयागराज के बीच में। पेस सही हो गया है, नीचे से लड़ा रहे हैं राम रहीम के मेंबर और ऊपर से लड़ा रहे हैं बाराबंकी रॉयल डायमंड के मेंबर। 7-1 का स्कोर चल रहा है, काफ़ी बढ़िया लड़ा रहे हैं राम रहीम के प्लेयर, सिर्फ एक पेज कटे हैं। अब की बार देखते हैं कौन काटेगा। निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं, काफ़ी दूर से ही रोका, फिर से बनाया, भाग दफ ताका से खींचा राम रहीम के मेंबर ने, ऊँचा करके चमकाया और भाग दफ खींचा है, क्रॉस पट मार रहे हैं बाहर की तरफ, निकलता हुआ जा रहा है सल्लक बाहर की तरफ खींच रहे हैं बाराबंकी के प्लेयर भी, दोनों लोग ताकत लगा रही है अपने ऊपर। यह पेज अब की बार बाहर की तरफ सल्लक खींचते हुए पेज काट दिया, स्कोर 7-2 का हो गया है बाराबंकी वर्सेस राम रहीम लखनऊ के बीच में। 5-4 का स्कोर चल रहा है, ऊपर से किंग प्रयागराज के मेंबर, नीचे से लखनऊ टिप टॉप के मेंबर। लखनऊ टिप टॉप ने 5 काटे हैं किंग प्रयागराज को। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। विकास भाई का क्लब है, काफ़ी मशहूर नाम है इलाहाबाद का, विकास काइट क्लब का किंग काइट क्लब। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, रोका, काफ़ी करीब लाके रोका, दोनों लोगों ने चलाया, गड़ोता हुआ मार दिया है प्रयागराज के मेंबर ने, जैसे ही बाहर खींचा टिप टॉप के मेंबर ने, ये पेज कट गया। 5-5 का स्कोर बराबर हो गया है किंग प्रयागराज और टिप टॉप लखनऊ के बीच में, काफ़ी कांटे की टक्कर हो रही है। पेस सही हो गया है, ऊपर से लड़ा रहे हैं टाइगर प्रयागराज के मेंबर, नीचे से लड़ा रहे हैं अमित भाई न्यू लॉयंस के मेंबर। कांटे की टक्कर चली, 5-5 का स्कोर बराबर। निकलता हुआ बनाया, अंदर की तरफ ताकत से पहल करके खींच दिया और रोका है अपनी पतंग को, जैसे ही ऊपर करा प्रयागराज के मेंबर ने, अमित भाई ने अपनी पतंग को रोक लिया और काफ़ी बढ़ दे के लड़ा रहे हैं नीचे से न्यू लॉयंस के लिए अमित भाई। वापस से बीचों बीच में मुड्ढा रखा है प्रयागराज के मेंबर ने, गड़ोता हुआ मार दिया, काफ़ी ताकत से मारा, देखिए डोरों पर रख लिया है
अमित भाई ने भी, अब देखते हैं कौन काटेगा, न्यू लॉयंस काटेगा या प्रयागराज काटेगा। टाइगर काइट क्लब प्रयागराज का पहला लड़ा, धीरे धीरे अपनी पतंग को उठाता जा रहा है, डोर निकालते जा रहे हैं, ये सही चल रहा है, ऐसा ना हो कोई टूट जाए। काफ़ी मिला के गद्दा मारा, बहुत कम पतंग हो गई है प्रयागराज टाइगर क्लब की मेंबर। बाहर की तरफ ताकत से निकलता हुआ, बड़ पतंग है लॉयंस की, और बाहर की तरफ ताकत से खींचते जा रहे हो, बड़ पतंग काट दी, बढ़िया पेज काट दिया, इसी के साथ 6-5 का स्कोर टाइगर प्रयागराज और न्यू लॉयंस लखनऊ के बीच में। 7-2 का स्कोर बाराबंकी और राम रहीम के बीच में, नीचे चढ़ा रहे बाराबंकी के, ये प्लेयर चलते हैं इनके पेज पे। पेज सही हो चुका है, ऊपर से सलमान लड़ा रहे हैं राम रहीम के मेंबर, नीचे से मैंने आपको दिखाया बाराबंकी के कौन से प्लेयर लड़ा रहे हैं। 7-2 का स्कोर, 7 काट दिए हैं राम रहीम ने बाराबंकी रॉयल डायमंड को। ऊपर से अपनी पतंग को चलाते हुए सही करके सलमान, नीचे से काफ़ी ऊँचा करके मुंडा दिया बाराबंकी के प्लेयर ने, बीचों बीच में अपनी पतंग को रखा राम रहीम के मेंबर, और निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे निकलता हुआ मुड्ढा जा रहा, रोक लिया काफ़ी मिला के, बाहर की तरफ गड़ोता फिर से मारा, खड़ा खींच दिया है बाराबंकी के प्लेयर ने भी, दोनों लोग ताकत से खींच रहे हैं लेकिन कट गए। बढ़िया पेज काट दिया राम रहीम के प्लेयर ने, 8-2 का स्कोर हो गया है बाराबंकी रॉयल डायमंड और राम रहीम लखनऊ के बीच में। 5-5 का स्कोर बराबर चल रहा है किंग प्रयागराज और टिप टॉप के बीच में, गड़ोता हुआ मुड्ढा मारा टिप टॉप के मेंबर ने, और ये देखिए जैसे ही बाहर मुड्ढा बनाया था, अच्छा डोर फेंकी, देखिए काट काट नहीं हुई, डोर फेंकी, वापस से पतंग उठाई और देखिए रोकी जब तो कट गए, तो बहुत चकमा देने की कोशिश करी थी, बाहर खींचते ही डोर फेंक दी थी, लगा कट गए, लेकिन टिप टॉप के मेंबर उस पर गद्दा मारते चले गए, और जैसे अंदर की तरफ वापस से पतंग रोकी प्रयागराज के मेंबर ने, ये पेज कट गया, स्कोर 6-5 का हो गया है दोनों के बीच में। पेज सही हो गया है, नीचे से राम रहीम के मेंबर अब्दुल कबीर, ऊपर से संजय रॉयल बाराबंकी डायमंड के, बाहर की तरफ ताकत से खींच लिया राम रहीम के मेंबर ने, सीधा गद्दा मारा लेकिन कट गए। तो इसी पेज के साथ राम रहीम ने अपना डी पुल का फर्स्ट राउंड रॉयल डायमंड बाराबंकी को काट के पूरा कर लिया है, 9-2 से गेम जीत लिया है। काफ़ी कांटे की टक्कर हो रही है न्यू लॉयंस और टाइगर प्रयागराज के बीच में, कोनी करा के जगह ले ली है टाइगर प्रयागराज के मेंबर ने, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए न्यू लॉयंस के मेंबर, 6-6 का स्कोर बराबर है। भारत दफ्तर ताकत से खींचा, गड़ोता हुआ मुड्ढा मारा न्यू लॉयंस के मेंबर ने भी लेकिन कट गए। बढ़िया पेज काट दिया टाइगर प्रयागराज के मेंबर ने, इसी के साथ स्कोर 7-6 का हो गया है दोनों के बीच में। पेज सही हो गया है इंटरनेशनल कानपुर और दिल्ली स्पीड के बीच में, ये दूसरे दिन पूरे गेम हो पा रहे हैं इनके, क्योंकि हवा नहीं थी पहले दिन। नीचे से लड़ा रहे हैं शुएब और अफगानी, ऊपर से लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल कानपुर के मेंबर, 6-1 का स्कोर चल रहा है। दिल्ली स्पीड ने इंटरनेशनल कानपुर को 6 पेज काटे हैं, कोनी करा के शुएब ने जगह ले ली है गर्दन के पास, एकदम कन्ने मारने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल कानपुर के मेंबर, अपनी भारी पतंग से अपनी पतंग को बचाने के लिए बाहर की तरफ खींचा शुएब ने, वापस से अंदर की तरफ जगह ली है, और एकदम गर्दन गर्दन कन्ने कन्ने ही चल रहे हैं इंटरनेशनल कानपुर के मेंबर। अब देखते हैं कन्ने काट पाएंगे नहीं, बाहर की तरफ अपनी पतंग को बचाया शुएब ने, और बाहर कम ले जा रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा अब ये पेज, सीटी बज गए, कैंसिल हो गया, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। पेज सही हो गया है दोबारा से, नीचे से कोनी करा के आपकी बढ़ दे के शुएब ने अपनी पतंग को लगाया है, और बीच में रखे हैं आपकी बार कानपुर इंटरनेशनल के मेंबर, धीरे धीरे ले जा रहे हैं कन्ने की तरफ अपनी पतंग को। एक बार पेज कैंसिल हो चुका है, कमिटी ऐलान करी 3 बार कैंसिल होगा, तो दोनों को कटे में दे दिया जाएगा, और स्कोर के हिसाब से 6-1 का स्कोर चल रहा है। पतंग को अपनी ऊपर ही ऊपर चलाते हुए कानपुर इंटरनेशनल के मेंबर, कोनी करा के जगह ले रखी है शुएब और अफगानी ने, अंदर की तरफ खींचा गड़ोता हुआ मुड्ढा मार दिया इंटरनेशनल के मेंबर, उसी को मारते जा रहे भाग दफ्ता आकर से, जैसे ही खींचा बढ़िया पे सीधा मुड्ढा करके काट दिया इंटरनेशनल के मेंबर ने, और स्कोर 6-2 का हो गया इंटरनेशनल वर्सेज दिल्ली स्पीड के बीच में। पेज सही हो गया है, 8-7 का स्कोर है टाइगर अलाहाबाद और न्यू लायंस के बीच में, गड़ोता मुड्ढा बनाया टाइगर के मेंबर ने, क्रॉस पट मारा है और रख लिया है बांध के, और ताकत से खींचते जा रहे बढ़िया पे चड्डा भाई ने काट दिया, स्कोर 8-8 का बराबर हो गया है। अब दोनों के बीच में लड़ेगा आल आल का पेज टाइगर प्रयागराज और न्यू लायंस लखनऊ के बीच में, टिप टॉप और किंग प्रयागराज के बीच में ये पेज हो रहा है, और दोनों ही एक दूसरे को काटे की टक्कर देते हुए 7-7 का स्कोर बराबर कर लिया है। नीचे से लड़ा रहे हैं किंग प्रयागराज के मेंबर, और ऊपर से लड़ा रहे हैं टिप टॉप लखनऊ के मेंबर, देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। गड़ोता हुआ मुड्ढा बना लिया पहल करके, उसी को मारते चले जा रहे, बाहर की तरफ खींचा प्रयागराज के मेंबर ने भी, दोनों लोग खींच रहे हैं, अंदर की तरफ पतंग घुस गई, हो क्रॉस पट जा रहा है प्रयागराज के मेंबर की पतंग का भी, और ये देखिए पतंग घुस गई है, ये पतंग सीधी होकर आ रही है, इसका मतलब ये पेज काट दिया है प्रयागराज ने। स्कोर 8-7 का हो गया है टिप टॉप लखनऊ और प्रयागराज किंग काइट क्लब के बीच में। ऊपर से लड़ा रहे हैं स्पीड दिल्ली के मेंबर, नीचे से लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल कानपुर के बाबू, देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। गड़ौता हुआ मुड्ढा बनाया स्पीड के मेंबर ने, सीधी पतंग अपनी उतारी बाहर की तरफ, धीरे धीरे ले जा रहे हैं कानपुर के मेंबर, काफ़ी मिलाया और बाहर की तरफ सल्ला खींच दिया स्पीड के मेंबर ने, रोका फिर से सीधा गद्दा मारा ताकत से, बाहर की तरफ जैसे खींचा बाबू ने बढ़िया पेज काट दिया है स्पीड दिल्ली को, और इसी के साथ स्कोर जो है 6-4 का हो गया दोनों के बीच में। टाइगर और लॉयंस के बीच में यह आ लाल का पेज लड़ रहा है, नीचे से चड्ढा भाई, ऊपर से टाइगर प्रयागराज के मेंबर, देखते हैं कौन काटेगा इस आ लाल के पेज में।
लखनऊ वर्सेस प्रयागराज, लॉयन और टाइगर आमने सामने, गड़ौता मोटा मार दिया टाइगर के मैंने, पट पे खींचा है चड्डा भाई ने जो कि है लॉयंस के मेंबर, लेकिन काट काट नहीं हुई। अब देखते हैं क्या होगा, काफ़ी नीचे पतंगे आ गई हैं और रेंज भी काफ़ी कम हो गई खींचते खींचते। दोबारा से चड्डा भाई ने ताका से खींचने की कोशिश करी है टाइगर को, लॉयंस खींचता जा रहा टाइगर को बाहर की तरफ, लेकिन बढ़िया झटक के काट दिया है टाइगर के मेंबर ने लॉयंस को और जीत लिया ये अपना फर्स्ट राउंड डी पुल का टाइगर काइट क्लब प्रयागराज ने लॉयंस लखनऊ को हरा के। नीचे से लड़ा रहे हैं टिप टॉप के अमरीश भाई और ऊपर से लड़ा रहे हैं किंग प्रयागराज के मेंबर, और 8-7 का स्कोर है, 8 काट दिए हैं किंग प्रयागराज ने टिप टॉप लखनऊ को। अब देखना यह है क्या एक पतंग से दो पेज अमरीश भाई काटेंगे और अपने क्लब को जीत दिलाएंगे फर्स्ट राउंड डी पुल में, या फिर आज प्रयागराज काट देगा टिप टॉप क्लब को और जीत लेगा अपना फर्स्ट राउंड। ऊपर से मुड्ढा रखते हुए पेज सही हो गया, नीचे से अमरीश भाई अपनी पतंग को लेकर तेज़ हाथों से खींचने की कोशिश करी, प्रयागराज के मेंबर ने अपनी पतंग उठा लिया, 8 पेज काट चुका है प्रयागराज किंग काइट क्लब विकास वाला टिप टॉप लखनऊ को। कोनी करा के दोबारा से जगह ली है अमरीश भाई ने, काफ़ी तेज़ हाथों से जगह लेते चले जा रहे हैं और ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग को चला रहे हैं किंग प्रयागराज के मेंबर। अब देखना यह है कि दोनों के बीच में फिर से आला लड़ेगा या इस पेज से क्लियर हो जाएगा। गड़ौता हुआ मुड्ढा पार्ट पे क्रॉस पट खींची, रोक लिया एकदम मिला के, और ये देखिए डोर फेंकी लेकिन कट गए अमरीश भाई, डोर मिल गई डोर फेंकते ही और बढ़िया पेज काट दिया है प्रयागराज के मेंबर ने और इसी के साथ जीत लिया ये राउंड फर्स्ट राउंड जो था किंग प्रयागराज ने टिप टॉप लखनऊ को काट के। दिल्ली स्पीड और इंटरनेशनल कानपुर के बीच में ये पेज हो रहा है, 6-5 का स्कोर चल रहा है। नीचे से लड़ा रहे हैं बाबू इंटरनेशनल कानपुर के मेंबर और ऊपर से लड़ा रहे हैं शुएब उर्फ अफगानी दिल्ली स्पीड के मेंबर। बहुत बढ़िया प्रदर्शन था दिल्ली स्पीड का, लेकिन उसके बाद एक एक करके पेज काटते गए बाबू और स्कोर हो गया है 6-5, 6 काटे हैं स्पीड दिल्ली ने और 5 काटे हैं इंटरनेशनल कानपुर ने। अब देखते हैं कौन काटेगा ये पेज। ऊपर से फिर से शुएब लड़ा रहे हैं, नीचे से बाबू अपनी भारी पतंग से तेज़ खींचना शुरू कर दिया, खींचते जा रहे हैं रोक नहीं रहे, बिल्कुल ताकत से खींचते चले जा रहे हैं, बाहर की तरफ पतंग जा रही है दिल्ली स्पीड के मेंबर की भी, ताकत से खींचते चले जा रहे हैं बाबू बाहर की तरफ पतंग, और बढ़िया पेज काट दिया आपकी बार बाहर की तरफ खींच के शुएब ने बाबू इंटरनेशनल कानपुर के मेंबर को, इसी के साथ स्कोर जो है 7-5 का हो गया दोनों के बीच में। 7-5 का स्कोर चल रहा है स्पीड दिल्ली और इंटरनेशनल कानपुर के बीच में। ऊपर से लड़ा रहे हैं बाबू भाई और दो बाबू हैं, एक मंजर लारी और एक बाबू, ऊपर से लड़ा रहे हैं अंदर की तरफ मुड्ढा उतारा, नीचे से लड़ा रहे हैं शुएब अफगानी दिल्ली स्पीड के लिए। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा, 7 पेज काटे हैं स्पीड ने इंटरनेशनल कानपुर को, 7-5 का स्कोर। कोनी करा के जगह लिए और गर्दन के पास एकदम पहुंच गए अपनी पतंग को लेकर, कन्ने मारने की कोशिश एकदम सल्लक कन्ने मार रहे हैं कानपुर इंटरनेशनल के मेंबर। वापस से तेज़ हाथों से अंदर की तरफ अपनी पतंग को लेके आए और तेज़ हाथों से थोड़ा सा जगह ली शुएब ने, लेकिन अभी भी कन्ने के पास अपनी पतंग को रखे हुए हैं कानपुर इंटरनेशनल के मेंबर। अपनी पतंग को बचाने के लिए बाहर करा पेज कैंसिल, तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। पेज सही हो गया है, नीचे से दोबारा से जगह ले ली है शुएब ने, ऊपर से गड़ौता हुआ मुड्ढा मारते जा रहे हैं, निकल रोक और बाहर की तरफ ताकत से खींचा स्पीड दिल्ली के मेंबर ने, रोक के फिर से अंदर की खींचा इंटरनेशनल के मेंबर ने, लेकिन कट गए बढ़िया पेज काट दिया। इसी के साथ 8-5 का स्कोर हो गया है स्पीड दिल्ली और इंटरनेशनल कानपुर के बीच में। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया डबल होते हुए, लेकिन बाहर की तरफ शुएब ने बना लिया, उसको ताकत से खींचते जा रहे हैं, डबल हो गई ये पतंग इंटरनेशनल कानपुर की भी, दोनों लोग ताकत से खींच रहे हैं। देखते हैं कौन ये पेज काटेगा, बढ़िया पेज ताकत से खींच के काट दिया शुएब ने और ये गेम जीत लिया है जो कि सेकेंड राउंड था स्पीड दिल्ली का इंटरनेशनल कानपुर से।